एग्जाम शास्त्र में आपका स्वागत है। कृपया चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज CES टॉप 15 GK क्वेश्चन चलेगा। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो ऑप्शन है अग्नि, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इसी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। कब इसका 1983 में बना था। इसका रेंज जो था पहले 150 से ऊपर था, अभी वर्तमान में 350 से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ऑप्शन है 120/80 mm, 120/30 mm, 120/40 mm, 120/60 mm। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120/80 mm। इसको रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन है महेश महाराज, पंडित दीनानाथ वर्मा, पंडित रविशंकर, पंडित विष्णु शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर। कब मिला था इनको? तो 1968 में। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है AB, AB, O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB, सर्वग्राही। और सर्वदाता जो होता है, सर्वदाता वह ओ को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 399, 299, 206, 270। ये तो आपको पता ही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 206। और बच्चों में हड्डी की संख्या जो होती है वह 300 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी जो है पाई जाती है? तो ऑप्शन है पैरों में, बाह में, गर्दन में, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? तो ऑप्शन है 14, 18, 20, 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। नौ जो होता है वह आवश्यक होता है, आवश्यक, और 11 जो होता है गैर आवश्यक होता है। 11 जो है मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है और 9 खान पान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त्र मिसाइल जो है कहाँ से कहाँ मार करती है? तो ऑप्शन है पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से हवा में, हवा से हवा में, हवा से पृथ्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा से हवा में। इसको किसने विकसित किया अस्त्र मिसाइल को? तो DRDO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है कौन सा है? तो ऑप्शन है परमवीर चक्र, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। कब से देना स्टार्ट किया गया? तो 1954 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन है विलियम हार्वे, जेनर, लैंड स्टीनर एवं वीनर, लुई पाश्चर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं वीनर। RH फैक्टर जो कब खोजा गया? तो 1940 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश मिसाइल मार करती है? तो ऑप्शन है पृथ्वी से पृथ्वी पर, आकाश से हवा में, जमीन से हवा में, हवा से जमीन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमीन से हवा में। इसको भी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है संगीत, सिनेमा, खेल, कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। वॉरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में भी दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? तो 1972 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है डॉक्टर अमृता पटेल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पत, जी शंकर कुरुप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी शंकर कुरुप।
कब दिया गया? 1965 में। किस भाषा के लिए? तो मलयालम। और स्टार्ट कब हुआ था? तो 1961 में स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ऑप्शन है ग्रेमी पुरस्कार, वॉरलॉक पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे, भारत रत्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेमी पुरस्कार। कब से स्टार्ट हुआ? सॉरी, 2023 में किसको मिला है? तो रिकी केज को, रिकी केज को। चलिए इसी के साथ आज का सेट समाप्त होता है। कृपया वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं।